चक्कर में आज एलआईसी में क्या है, आज एलआईसी में क्या है, हड़ताल कहो कब होती है, सुनवाई नहीं जब होती है, हड़ताल कहो कब होती है, सुनवाई नहीं जब होती है। सरकार हाय 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 सरकार हाय 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 वित्त मंत्री हाय 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 सरकार की सभी विरोधी नीतियों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। भारत सरकार की सभी विरोधी नीतियों का नाश हो, नाश हो। की वी कंडेम, वी कंडेम, वी कंडेम। मल्टी लेवल पॉलिसी वी कंडेम, वी कंडेम, वी कंडेम। निजीकरण एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। करनी होगी सार्थक वेतन वार्ता शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सार्थक वेतन वार्ता शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सार्थक वेतन वार्ता शुरू करो, शुरू करो। भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, जन विरोधी नीतियों को लेकर हम आज दो दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। और आज के दिन हम जो हमारी विशेषकर मांग्स है हमारी जो मांग्स है, हमारा वेतन मांग पत्र जो 1 अगस्त 2017 से दे है, और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। और इस आज हमारा एक मेन इशू ये भी है कि हमारा वेतन मांग जो दे है, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि नई भर्ती शुरू हो तुरंत प्रभाव से, और जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम है उसको रद्द किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसी के साथ नई भर्ती और जो पेंशन का एक विकल्प और है वो भी हमारे साथियों को प्रदान किया जाए। तो ये तो हमारी एलआईसी से रिलेटेड डिमांड्स है। इसके अलावा जो भारत सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 किया जाए, न्यूनतम पेंशन कम से कम 6,000 रुपये मासिक की जाए, और जो पद खाली पड़े उन पर तुरंत भर्ती की जाए। सार्वजनिक उद्योगों का जो निजीकरण किया जाए उस पर रोक लगाई जाए, आउटसोर्सिंग्स पर रोक लगाई जाए, और नई भर्ती की प्रक्रिया सब जगह शुरू की जाए। पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने 2.9 लाख करोड़ का निवेश और उसके शेयर्स भेजे हैं, उससे सीधा सीधा लगता है कि वो देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं और सार्वजनिक उद्योगों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज ये नेशनल इश्यू पे ये डिमांड्स है। उसके अलावा मैंने आपसे जैसे बताया अभी कि वेतन मांग पत्र हमारा 1 अगस्त 2017 से ड्यू है, उस पर कोई वार्ता नहीं हुई, नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही, पेंशन का एक विकल्प और नहीं दिया जा रहा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए, तो ये सारी डिमांड्स को लेकर हम 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। सुनीत पुट्टी, डिविजनल सेक्रेटरी नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज। पूरे राष्ट्र के करीब 20 करोड़ जो है कर्मचारी हड़ताल पर हैं पिछले 2 दिन से, क्योंकि केंद्र सरकार की जो कर्मचारी और श्रमिक विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ श्रमिक संगठनों ने जो है हड़ताल का निर्णय लिया है। और इसी के संदर्भ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने उनको नैतिक समर्थन देते हुए आज हमने जो है प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। जो उनकी मुख्य मांगे हैं उनमें यह है कि सरकार जो है वो नई पेंशन योजना को बंद करे और पुरानी पेंशन योजना की बहाली करे। आप ये देखें, कर्मचारी का जो पसीने की कमाई है उसका मूल जो वेतन में से जो कटौती होती है उसको सरकार शेयर मार्केट में ले जा रही है, ताकि उसका भविष्य जो है रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेकर एक उनके न्यूनतम जो है मजदूरी 18,000 करने के साथ ही न्यूनतम पेंशन 6,000, ठेका प्रथा बंद हो, निजीकरण बंद हो, इस समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और पूरे प्रदेश में हमने उनको समर्थन दिया, नैतिक समर्थन देते हुए।
और एक दौर चलाया कि जिसमें खुद बीजेपी सरकार के करीब 91 सांसद हैं उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है, और वर्तमान में जो प्रदेश की सरकार है उसके मंत्री और विधायक भी लगातार इस चीज़ को लिखित में सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार नई पेंशन योजना को बंद करे और तत्काल पुरानी पेंशन योजना की बहाली करे। अजय सैनी, संभागीय उपाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ।